दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पबजी बहुत ही जल्दी इंडिया में फिर से चालू होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जो लोग पबजी गेम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, खेलना पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। बट इसकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है, तो उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं स्टेप बाय आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें एंड तक, ओके। तो दोस्तों आपको बता दें, इंडिया में पबजी जो है दोबारा लॉन्च होने वाला है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है जो लोग पसंद करते हैं, ओके। बट ये किस नाम से लॉन्च होने वाला है? तो दोस्तों बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से चालू होगा, ओके। और इसमें एक प्राइवेसी, इसमें एक इसमें और है, मतलब एज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि अगर 18 साल के अंदर के एज के बच्चे इसे खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, ओके। तो इसमें क्या होगा, उनका मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, ओके। और इसमें एक प्रॉब्लम और आने वाली है, मतलब कि जैसे पहले क्या होता था कि पहले जो बच्चे लोग होते थे वो पूरा पूरा दिन खेल सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया 3 घंटे से ज़्यादा खेलने की इजाज़त नहीं देता है, ओके, जो लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि इसमें इससे पेरेंट को बड़ी राहत मिलेगी यार, बहुत ही ज़्यादा। जो मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा दिन भर खेलते रहते हैं तो उससे माँ बाप कहते हैं यार मेरा बच्चा तो पूरा दिन पबजी खेलता है, तो उससे उनको ज़्यादा थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ओके। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा मतलब चाहता है कि मेरे पेरेंट्स को पता ना चले और मैं ये पबजी गेम भी खेल सकूं, मतलब कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऐप जिसको पबजी नाम से पहले जाना जाता था, ओके। तो अगर इसको प्राइवेसी के साथ खेलना चाहते हैं, मतलब कि पेरेंट्स को पता ना चले, तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, ओके। तो इसके बाद में और इसमें क्या है, पबजी मोबाइल इसमें ये एक नया वर्जन है, ओके। और इसके बाद इसमें कुछ और थोड़े से बदलाव हुए हैं, जैसे कस्टमाइजेशन देखने को मिल सकते हैं इन गेम की आइटम्स में, लेकर इसके मैप में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले साल सितंबर में कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि भारतीय वर्जन गेम में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। यही नहीं, यूजर्स की सुरक्षा के लिए सर्वर भारत में ही स्थापित किए जाएंगे, ओके दोस्तों। वहीं पबजी मोबाइल इंडिया का ऐलान पिछले साल नवंबर में किया गया था, जिसे पबजी मोबाइल की जगह लॉन्च किया था। पबजी मोबाइल गेम्स को भारत में बैन कर दिया गया था, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। ऐसे में कंपनी ने खास भारत के लिए नए वर्जन वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने के का ऐलान किया था। तो दोस्तों ये कुछ थी इसकी जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी थी, तो मैंने को सोचा कि आपको जानकारी दे दी जाए। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।